इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने की आम आदमी पार्टी की तारीफ। कहा, आपने हमेशा मेरे विजन और काम को सराहा। सिद्धू ने कहा, आम आदमी पार्टी को पता है कि पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है 2017 से पहले, और अब भी मैंने पंजाब के मुद्दे उठाए। सिद्धू के ट्वीट का जवाब देने से बचे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। ट्वीट के मायने पूछने पर कहा, अच्छा सवाल है। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में नया बवाल। सिद्धू के बाद एमएलए राजा वरिंग ने खोला कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर लगाए संगीन आरोप। कांग्रेस विधायक राजा ने कहा, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल खुलेआम अकाली दल के नेताओं को बांट रहे हैं फंड। राहुल गांधी से की मामले में कार्रवाई की मांग। राजा ने ट्वीट की, अकालियों के साथ पंजाब की वित्त मंत्री की तस्वीरें। लिखा, महीनों से चलाई जा रही है कांग्रेस को कमजोर करने और अकाली दल को मजबूत करने की योजना। राजा वारिंग के आरोपों पर बीजेपी ने ली चुटकी। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने कहा, पंजाब कांग्रेस कई हिस्सों में बटी, सीएम की कुर्सी पाने के लिए छिड़ा आपस में घमासान। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। वाराणसी पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ में भी दर्शन किए, पूजा अर्चना की, सर सुंदरलाल अस्पताल का भी दौरा किया। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 जुलाई को वाराणसी में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी करेंगे इनॉग्रेशन। यूपी के 9 जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा देंगे पीएम। अगले 100 दिनों में यूपी के को कई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का तोहफा मिलेगा। शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 15 अगस्त के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी कर सकते हैं इनॉग्रेशन। अक्टूबर में गोरखपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट का कर सकते हैं उद्घाटन। वाराणसी में 5 लेयर सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे पीएम मोदी। 21 आईपीएस के कंधों पर होगी पीएम की बाहरी सुरक्षा की कमान। लखनऊ में एटीएस की कार्रवाई को सियासी रंग देकर घिरे अखिलेश यादव और मायावती। बीजेपी ने लगाया चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती और अखिलेश यादव के बयान को बताया जन विरोधी और देश विरोधी। कहा, आतंक के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई को चुनावी चश्मे से न देखें। अखिलेश पर योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का भी पलटवार। कहा, एटीएस और पुलिस का मनोबल गिरा रहे अखिलेश यादव, उनका सीएम बनना ही दुर्भाग्यपूर्ण था। एटीएस ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाली मायावती को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का जवाब। कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई पर राजनीति ठीक नहीं। यूपी एटीएस के ऑपरेशन को कांग्रेस ने भी दिया सियासी रंग। राशिद अल्वी ने कहा, चुनाव के लिए बीजेपी पैदा कर रही है आतंक का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री नकवी ने विरोधी दलों को दिया जवाब। कहा, अखिलेश को जनता पर नहीं भरोसा, पब्लिक भी नहीं करती अखिलेश पर भरोसा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, एसपी सरकार में पनपते हैं आतंकवादी, दहशतगर्दों को छोड़ती है समाजवादी सरकार। जनसंख्या कानून को लेकर मायावती ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सरकार की नीति और नियत दोनों पर उठाए सवाल, लोगों को इसमें चुनावी स्वार्थ आ रहा नजर। मायावती ने कहा, जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी तब शुरू करना चाहिए था जनसंख्या नियंत्रण का काम। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा बयान सामने आया। कहा, संसद के मानसून सत्र में जनसंख्या पर लाएंगे प्राइवेट बिल। नई जनसंख्या नीति के बहाने बीजेपी और आरएसएस ने अविवाहित नेताओं पर नवाब मलिक का तंज। कहा, नो चाइल्ड पॉलिसी लाए सीएम योगी। नई जनसंख्या नीति पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया। कहा, बच्चों की संख्या निश्चित हुई तो बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं बचेगा। एसपी सांसद शफीकुर रहमान के बयान पर बीजेपी विधायक संगीत सोम का भी तंज। कहा, बच्चे पैदा करने के अलावा भी बहुत कुछ अल्लाह की देन। यूपी के नए जिला पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों को सीएम योगी ने दी बधाई, लोगों के भरोसे पर खरा उतरने को कहा। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन लगा सीएम का जनता दरबार। योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। चुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम का जनता से डायरेक्ट संवाद। केशव प्रसाद मौर्य ने दफ्तर में लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर वार, बोले 2022 के चुनावों के लिए जानबूझकर राम मंदिर निर्माण में की जा रही देरी। यूपी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू किया प्रदेश में सदस्यता जोड़ो अभियान। कानपुर में संजय सिंह ने कहा, आपकी सरकार आई तो यूपी में लागू होगा दिल्ली का केजरीवाल मॉडल। प्रियंका गांधी के 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे का कार्यक्रम तय, 14 जुलाई के बजाय अब 16 जुलाई को जाएंगी लखनऊ। प्रियंका के यूपी दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। कहा, कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं, प्रियंका के बारे में बोलना समय खराब करना। गाजीपुर में लगातार दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन। उनके ही विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद में कासिमाबाद में निकाली गई शव यात्रा। ओवैसी के बहराइच में गाजी की मजार पर जाने के बाद भड़का है विवाद। राजभर के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। यूपी के शाहजहांपुर में ग्रामीणों ने की बीजेपी एमएलए से बिजली की मांग। विधायक वीर विक्रम सिंह ने कहा, कसम खाओ मुझे ही वोट दिया तभी देंगे लाइट।
एसपी नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्लाह लखनऊ के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब्दुल्लाह को सीतापुर जेल लेकर पहुंची पुलिस। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने कमर कसी। अलीगढ़ में बीजेपी सरकार के खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने साइकिल रैली निकाली। आज भी उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी करेंगे मुलाकात। कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भी मंथन जारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।